प्रश्न 21 पुराने समय दे सांझे परिवारां बारे हेठ दित्तियां विचों केड़ा कथन गलत है? ऑप्शन ए परिवारां विच मोह प्यार सी, ऑप्शन बी परिवार गरीब सन, ऑप्शन सी परिवार नैतिक कदरां कीमतां वाले नहीं सन, ऑप्शन डी सांझे परिवारां विच बच्चियां दा विकास वधिया हुंदा सी। इन्हां ने सानू किया है केड़ा कथन गलत है, तां गलत जिहड़ा कथन है वह है ऑप्शन सी परिवार नैतिक कदरां कीमतां वाले नहीं सन, ए जिहड़ा है ए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है साडा आंसर होएगा परिवार नैतिक कदरां कीमतां वाले नहीं सन। इंग्लिश दे विच एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जॉइंट फैमिलीज ऑफ ओल्डन टाइम्स? ऑप्शन ए देयर वॉज लव इन द फैमिलीज, ऑप्शन बी फैमिलीज वर पुअर, ऑप्शन सी फैमिलीज डिडंट हैव मॉरल वैल्यूज, ऑप्शन डी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टुक प्लेस इन जॉइंट फैमिलीज। इदा सही आंसर है ऑप्शन सी फैमिलीज डिडंट हैव मॉरल वैल्यूज, फैमिलीज डिडंट हैव मॉरल वैल्यूज इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 22, जेकर तुहाडे स्कूल विच कोई प्रवासी बच्चा दाखला ले लवे तां तुहानू उस नाल किहो जिहा व्यवहार करना चाहिदा है? ऑप्शन ए उस नाल प्यार ते स्नेह वाला व्यवहार करना चाहिदा है, ऑप्शन बी उस नाल लड़ाई करनी चाहिदी है, ऑप्शन सी उस नाल गल करनी बंद कर देनी चाहिदी है, ऑप्शन डी उस नाल कोई संबंध नहीं रखना चाहिदा। इंग्लिश दे विच एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इफ एन इमिग्रेंट चाइल्ड हैज बीन इनरोल्ड इन योर स्कूल हाउ शुड यू ट्रीट हिम? ऑप्शन ए शुड ट्रीट हिम विद लव एंड अफेक्शन, ऑप्शन बी शुड फाइट विद हिम, ऑप्शन सी शुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ऑप्शन डी शुडंट कीप एनी कनेक्शन विद हिम। तां इहदा सही आंसर है ऑप्शन ए उस नाल प्यार ते स्नेह वाला व्यवहार करना चाहिदा है। इंग्लिश दे विच ऑप्शन ए शुड ट्रीट हिम विद लव एंड अफेक्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। प्रश्न 23, शरीरक गुण किस तरह निखारे जा सकते हैं? ऑप्शन ए फास्ट फूड खा के, ऑप्शन बी दवाई लेके, ऑप्शन सी कसरत करके, ऑप्शन डी किताबां पढ़ के। इंग्लिश दे विच है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन फिजिकल क्वालिटीज बी ब्राइटन, हाउ कैन फिजिकल क्वालिटीज बी ब्राइटन? ऑप्शन ए बाय ईटिंग फास्ट फूड, ऑप्शन बी बाय टेकिंग मेडिसिंस, ऑप्शन सी बाय डूइंग एक्सरसाइज, ऑप्शन डी बाय रीडिंग बुक्स। इधर सही आंसर है ऑप्शन सी कसरत करके, ऑप्शन सी बाय डूइंग एक्सरसाइज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लोकां दे खाण पीण दियां आदतां उपर डैश दा प्रभाव पैंदा है, सभ्याचार अते इलाके, जाति अते धर्म, रंग अते कद, भार अते अखां दी रोशनी। डैश इफेक्ट्स द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। ऑप्शन ए कल्चर एंड एरिया, ऑप्शन बी कास्ट एंड रिलीजन, ऑप्शन सी कलर एंड हाइट, ऑप्शन डी वेट एंड आईसाइट। इदा सही आंसर है ऑप्शन ए सभ्याचार अते इलाके, ऑप्शन ए कल्चर एंड एरिया इफेक्ट्स द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 25, विलक्षण प्रतिभा वाले खिडारियों लई केड़ियां खेडां दा आयोजन हुंदा है? ऑप्शन ए ओलंपिक खेडां,
ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ। ਵਿਚ ਗੇਮਸ ਆਰ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਪਲੇਅਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਫੋਲਕ ਗੇਮਸ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਾਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਬੱਡੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਟੂ ਵਿਚ ਗੇਮ ਡਸ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਡਿਪੇਕਟ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਾਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਬੱਡੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹਾਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ। ਟੂ ਵਿਚ ਗੇਮ ਡਸ ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਬਾਜੀਗਰਸ ਮੈਚ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹਾਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਘ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੰਧ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਘ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਾਘ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਾਘ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਘ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਾਘ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਬਾਏ ਸਨੀਫਿੰਗ ਦਾ ਯੂਰੀਨ ਆ ਟਾਈਗਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅਨਦਰ ਟਾਈਗਰ, ਦੇ ਹੰਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਏਰੀਆ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦ ਟਾਈਗਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਨੀਮਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦ ਟਾਈਗਰ ਹੈਜ਼ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦ ਟਾਈਗਰ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਏਰੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦ ਟਾਈਗਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੱਚ ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮਲ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬਾਘ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਟਾਈਗਰ ਹੈਜ਼ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਬਾਘ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦ ਟਾਈਗਰ ਹੈਜ਼ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸਿਸ ਆਫ ਕੈਟ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੈਟਸ ਸਲੀਪ ਫੋਰ 16 to 18 ਆਵਰਸ ਇਨ ਅ ਡੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੈਟਸ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਡਿਮ ਲਾਈਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਟਸ ਕੈਨ ਫੀਲ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੈਟਸ ਰਿਮੇਨ ਅਲਰਟ ਵਾਇਲ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ
मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो बिल्लियां हैं वो जो उन्होंने जो है मिठा स्वाद महसूस नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये साडा आंसर होएगा। इन्होंने साढ़े को ये पूछा सी भी केड़ा कथन सही नहीं है, तो बाकी जोड़े ए बी अते डी हन वो तो सही हन, पर जोड़ा ऑप्शन सी वाला कथन है ये सही नहीं है, तो ताही करके ये साडा आंसर होएगा। बिल्लियां मिठा स्वाद महसूस कर सकती है, ऑप्शन सी कैट्स कैन फील स्वीट टेस्ट ये साडा आंसर है। यह जो कथन है ये सही नहीं है, जो बिल्लियां ने वो मिठा स्वाद महसूस नहीं कर सकदियां, तो ऑप्शन सी जो है वो साडा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, हेठ दिता चिन्ह केड़ी चीज दी शुद्धता दी गारंटी दिंदा है। ऑप्शन ए ऊन दी, ऑप्शन बी सोने दी, ऑप्शन सी बिजली दे सामान दी, ऑप्शन डी किसे दी भी नहीं। द प्योरिटी ऑफ विच आइटम डज द फॉलोइंग मार्क इंडिकेट्स। ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इधर सही आंसर है ऑप्शन ए ऊन दी, ऑप्शन ए वूल। ये जड़ा चिन्ह है ये जो है ऊन दी शुद्धता दी गारंटी दिंदा है। ऑप्शन ए वूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मनुख पशु क्यों पालदा है। ऑप्शन ए दूध लई, ऑप्शन बी मांस लई, ऑप्शन सी ऊन लई, ऑप्शन डी उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई डज मैन रेयर एनिमल्स। ऑप्शन ए फॉर मिल्क, ऑप्शन बी फॉर मीट, ऑप्शन सी फॉर वूल, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इधर सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सारे, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ये सारे ए बी सी ये सारे कम्मा वास्ते जो है मनुख पशु नू पालदा है, दूध लई भी मांस लई भी ते ऊन लई भी। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सारे ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, किस पौधे दे पत्तियां तो होर पौधा तैयार किया जा सकता है। ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी पत्थरचट, ऑप्शन डी गोभी। फ्रॉम लीव्स ऑफ विच प्लांट वी कैन ग्रो अनदर प्लांट। ऑप्शन ए स्पाइनच, ऑप्शन बी रेडिश, ऑप्शन सी पत्थरचट, ऑप्शन डी कॉलीफ्लावर। इधर सही आंसर है ऑप्शन सी पत्थरचट, ऑप्शन सी पत्थरचट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हेठ दित्यां विच्चों गलत जोड़े दी चोण करो। ऑप्शन ए सरों तेल, ऑप्शन बी गेंदा बीज, ऑप्शन सी जीरा मसाला, ऑप्शन डी धनिया मसाला। चूज द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शन ए मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन बी मैरीगोल्ड सीड, ऑप्शन सी क्यूमिन स्पाइस, ऑप्शन डी कोरिएंडर स्पाइस। इत्थे एक गल नोटिस करन वाली है, जिवें सरों दे नाल तेल जीरा ते धनिया दे नाल मसाला लिखा होया है, तां सरों तों जो है तेल बनाया जांदा है। ठीक है, ते जीरा जड़ा हो गया उसका इस्तेमाल मसाले दे विच कीता जांदा है, ते इदां ही धनिए दा जो यूज़ है यानी कि इस्तेमाल है वह मसाले दे विच कीता जांदा है। जो गेंदा है उसदे बीज हुंदे हन भी, जो बीजा तो गेंदा जो है बनता है, मतलब जो गेंदे का जो फुल है वो जो है गेंदे का पौधा वो लगता हुंदा है, पर गेंदे का इत्थे इस्तेमाल नहीं दस्या है, सरों का इन्होंने यूज़ दस्या है, इस्तेमाल दस्या है भी उसनों असी तेल के तौर पर इस्तेमाल करते हाँ, जीरे नू असी मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हाँ, धनिए नू असी जो है मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हाँ, पर गेंदे नू असी कोई बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। बीज तो दा जो गेंदा है उसका जो पौधा है जो फुल है वो लगता हुंदा है। तो इत्थे जो है ऑप्शन बी इज द करैक्ट आंसर। इन्होंने सानू कहा सी गलत जोड़े की चोण करो। ठीक है, भी जड़ा जोड़ा जो है गलत है उसकी असी चोण करनी है। तो ऑप्शन बी जो है गेंदा गेंदा ते बीज ये जो है साडा आंसर होएगा। ए वाला जोड़ा है ये गलत है। ठीक है,
ऑप्शन बी मैरी गोल्ड सीड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी गेंदा बीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, आदिवासी लोग शिकार करन लई किस दी वरतों करते हन, ऑप्शन ए बंदूक दी, ऑप्शन बी पत्थर दी, ऑप्शन सी भाले अते तीर कमान दी, ऑप्शन डी हड्डियां दी। व्हाट डू ट्राइबल पीपल यूज फॉर हंटिंग, ऑप्शन ए गन, ऑप्शन बी स्टोन्स, ऑप्शन सी क्रो बार्स एंड एरोस, ऑप्शन डी बोन्स। इदा सही आंसर है ऑप्शन सी भाले अते तीर कमान दी, ऑप्शन सी क्रो बार्स एंड एरोस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भाले अते तीर कमान दी। क्वेश्चन नंबर 35, जे किसे स्थान दे तापमान विच तब्दीली आ जांदी है ता उस दा की कारण हो सकता है, ऑप्शन ए जंगलां दी कटाई कारण, ऑप्शन बी जल चक्र विच तब्दीली कारण, ऑप्शन सी दोवें, ऑप्शन डी इन्हां विचों कोई नहीं। ता इदा सही आंसर है दोवें, जंगलों की कटाई कारण, जल चक्कर विच तब्दीली कारण। तो ऑप्शन सी जो है इदा करेक्ट आंसर है दोवें। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द क्लाइमेटिक चेंज ऑफ एन एरिया, ऑप्शन ए डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन बी चेंज इन वाटर साइकिल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन सी है बोथ यानी कि BOTH, ऑप्शन सी इस दे विच डिफोरेस्टेशन ऑप्शन ए वाला ते ऑप्शन बी चेंज इन वाटर साइकिल, ये दोवें ही जो है सही ने। तो ऑप्शन सी जो है जिस दे विच बोथ लिखा गया है ये जो है साडा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न सारणी विच वख वख भोजन पदार्थां नू संभालण दे तरीके दिते गए हन, दसो सारणी विच प्रश्न चिन्ह दी थां ते की आवेगा, भोजन पदार्थ सब्जियां, अगे सानू जो है इत्थे दसना है भी उसका साम संभाल दे तरीके की हन सब्जियां दे, दुध वास्ते असी साम संभाल दे तरीके वास्ते असी उबालदे हां दुध नू, ओले दा मुरब्बा, ज़्यादा खंड पा के, नींबू दा अचार तेल विच रख के। तो हुण सानू ये दसना है भी सब्जियां नू अगर असी सब्जियां दी साम संभाल करनी है तो उहदा तरीका की होवेगा, ऑप्शन ए तेल पा के, ऑप्शन बी नमक पा के, ऑप्शन सी नींबू पा के, ऑप्शन डी ठंडा रख के। इसी क्वेश्चन नू अगर असी इंग्लिश दे विच पढ़ते हाँ तो की जो है देख लैने हाँ, डिफरेंट मैथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, वट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क साइन इन द टेबल, फूड वेजिटेबल्स मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो सानू मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन दसना है कि दा वेजिटेबल्स दा, बाकी सारे दा दिता गया है, मिल्क दा बॉयलिंग है, आमला मुरब्बे दा, आमला मुरब्बा उस वास्ते असी मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन एडिंग शुगर यूज करते हाँ, लैमन पिकल इदे वास्ते असी पुटिंग इन ऑयल यूज करते हाँ, ते वेजिटेबल्स वास्ते केड़ा मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज होएगा नीचे ऑप्शन दिते गए हैं, ऑप्शन ए पुटिंग इन ऑयल, ऑप्शन बी एडिंग सॉल्ट, ऑप्शन सी एडिंग लेमन, ऑप्शन डी कीपिंग कूल। तो ऑप्शन डी जो है कीपिंग कूल, ऑप्शन डी कीपिंग कूल इज द राइट आंसर। पंजाबी दे विच है सब्जियां दी असी साम संभाल करन वास्ते केड़ा तरीका जो है इस्तेमाल करते हाँ वो है ऑप्शन डी ठंडा रख के, ऑप्शन डी ठंडा रख के असी सब्जियां दी साम संभाल कर सकते हाँ। इंग्लिश दे विच है जी ऑप्शन डी कीपिंग कूल, कीपिंग कूल इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, मनीष ने बाजारों लियांदे ब्रेड पैकेट विच्चों बाहर कढ़ के खुले विच रख दित्ते, कुछ दिनों बाद उसने वेख्या कि ब्रेड उपर कुछ पदार्थ जमना शुरू हो गया, मनीष नू की समझना चाहिदा है, ऑप्शन ए ब्रेड दी पौष्टिकता वध गई है,
ऑप्शन बी ब्रेड खराब हो गए हन इसलिए उन्हां नूं खाण लई नहीं वरतना चाहिदा। ऑप्शन सी ब्रेड साफ करके खा लेने चाहिदे हन। ऑप्शन डी ब्रेड बच्चियां नूं खाण लई दित्ते जा सकदे हन। इस क्वेश्चन दी इंग्लिश है जी, मनीष हैज ब्रॉट द ब्रेड फ्रॉम द मार्केट, ही केप्ट इट आउट ऑफ द पैकेट इन ओपन, आफ्टर सम डेज ही नोटिस्ड दैट समथिंग हैज स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन ब्रेड, व्हाट शुड मनीष अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। ऑप्शन ए द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ब्रेड हैज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी ब्रेड हैज गॉट स्पॉइल्ड सो इट शुड नॉट बी ईटन, ऑप्शन सी although the bread has got spoiled but can be eaten, option d bread can be given to children for eating। ta ida sahi answer hai option b bread has got spoiled so it should not be eaten। punjabi de vich hai option b bread kharab ho gaye han is layi unhan nu khan layi nahi vartna chahida। option b is the correct answer, ब्रेड खराब हो गए हन इसलिए उन्हां नूं खाण लई नहीं वरतना चाहिदा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कृषि विज्ञान केंद्रां दा मुख काम की है। ऑप्शन ए खेती करना, ऑप्शन बी फसल खरीदना, ऑप्शन सी खेती दे संद वंडना, ऑप्शन डी किसानां नूं सिखलाई देना। What is the main job of कृषि विज्ञान केंद्रा? What is the main job of कृषि विज्ञान केंद्र? Option A farming, option B buying crop, option C to distribute equipments for farming, option D give training to farmers। इधर सही आंसर है option D किसानों को सिखलाई देना। ऑप्शन डी गिव ट्रेनिंग टू फार्मर्स इज द मेन जॉब ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अखां अते निगाह लई केड़ा विटामिन संजीवनी बूटी का काम करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 39, विच विटामिन इज द बेस्ट क्योर फॉर गुड आईसाइट। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इधर राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ए इज द बेस्ट क्योर फॉर गुड आईसाइट। ऑप्शन ए विटामिन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, जेकर भोजन विच मोटा आहार पोषक तत् लेना होवे तां तुहानू वध मात्रा विच की खाना पवेगा। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी आंडे, ऑप्शन सी फल अते सब्जियां, ऑप्शन डी मीट। इफ यू नीड टू टेक रफेज इन योर फूड, विच फूड आइटम शुड बी ईटन बाय यू इन अबंडेंस। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी एग्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन डी मीट। इधर सही आंसर है फल अते सब्जियां, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी फल अते सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।